हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में सबसे पहले देखो एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, जो वर्कशीट होती है तीन वर्कशीट होती है 1, 2, 3, ठीक है। आप अलग अलग सीटों पर भी वर्क कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट वर्कशीट पे हैं हम, तो यहाँ पर आपको सेल दिख रहा है, ये सेल है ना, सेल। ये आपको लेटर दिख रहे हैं इस तरीके से, ये तो होते हमारे कॉलम। ये आपको नंबर दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे वो। अच्छा, इनके द्वारा बनती है सेल। तो हमने ए और बी और 1 और 2 को सेलेक्ट करा और मर्ज, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। तो आप इन सभी को एक साथ मिला सकते हो, मिल गए। फिर इसके बाद आप किसकी कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में कंट्रोल के साथ बी या पेस्ट पे क्लिक करो ना। फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ बी इंटर प्रेस कर दो, सिलेक्शन हट जाएगा ना। अच्छा, आपको यहाँ पर लिखना है पेट्रोल DISEL DL सेलेक्ट करके आप इसे बीच में कर दो ना, इसे कर दो मिडल है ना, और साइज दे दो इसका, इसका कलर चेंज कर दो। कलर मैंने दे दिया इसे वाइट और इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं पेट्रोल RS और डीजल RS, तो हमें देखो कोई भी, जब हमने लिखा RS माना कि 95 और मैंने लिख लिया LTR लीटर, समझाने के लिए ना। अगर हमने 10 लीटर पेट्रोल, अगर हमें टोटल करना है अमाउंट लगाना है, तो अमाउंट लगाने के लिए RS से मल्टीप्लाई कर दो कितना हम क्वांटिटी ले रहे हैं। तो मतलब नोट वैल्यू आ रही है ना, क्यों आ रही है कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट बनाया है ना, ये अगर हम इसमें 95 लिखते हैं जी जब ये आता है, तो ये हमारा पहले टेस्ट में बदल गया था ना। तो इसे बदलने के लिए आप, हम चाहते कि इसमें इसके सामने RS भी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर पे जाना है। नंबर का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक होता है ना। अच्छा, नंबर पे आने के बाद में सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेना है ना, कंट्रोल के साथ एक। यहाँ पर क्या करना है आपको, डबल कोट लगाना है और RS रुपीज है ना, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 3 दबा देना, आपका हैज आ जाएगा ना। अच्छा, इसका फॉर्मेट की कॉपी अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 95 तो लग गया RS, अगर यहाँ पर 85 तो यहाँ पर कुछ नहीं। तो इस फॉर्मेट की कॉपी, फॉर्मेट कॉपी यहाँ से इस पर क्लिक करी, क्लिक करना है और इस पर डाल दो, इसकी फॉर्मेट की कॉपी होगी। अब इसका इस फॉर्मेट की कॉपी नीचे भी लगा देते हैं, इसके नहीं, इसके पहले इसमें एक साइज कलर लगा लो, हो गया। इसकी फॉर्मेट की कॉपी इस पर लगा दो ना। अब दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करने का साइज दे दो, सही है। अब इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चार्ट बनाना है, चार्ट में सबसे पहले एसआर नंबर KIN LTL लीटर, फिर इसके बाद अमाउंट। अच्छा, अब हमें कितने एरिया में बनाना है ये आपको एरिया तय करना, माना कि हमने इतने एरिया तय कर लिए, इसे बॉर्डर दे दिया। फिर इसके बाद में हमें नंबर लिखना है 1 के बाद आप पर खींचिए और यहाँ से फिल सीरीज कर दीजिए ना, सेलेक्ट करिए इसे, डाटा में जाइए, सही है। क्यों, हमें लिस्ट बनानी है इनकी पेट्रोल डीजल की। तो डाटा, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, यहाँ मिलेगा आपको लिस्ट, लिस्ट में लिखना है पेट्रोल कॉमा DISEL डीजल, ठीक है। आपको देखो जहाँ चाहो वहाँ पेट्रोल मिलेगा, वहाँ पर जहाँ चाहो आपको डीजल मिलेगा, ये लिस्ट मिल गई ना। और इसमें आप तुम कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसे CNG लिखना चाहो ना, CNG क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने डाटा वैलिडेशन लिस्ट बना रखा है। इससे आगे अगला आता है जैसे कि लीटर, जैसे कितना भी ले लो क्वांटिटी, 10 लीटर 20 लीटर, तो हमें इससे इसमें भी लीटर लगाना फॉर्मेट के अंदर। तो कंट्रोल एक दबाओ और कस्टम जाओ, शिफ्ट के साथ हैज स्पेस डब,
कंट्रोल वन हैच डबल कोट एल टी आर, जैसे कि 10 लिखोगे अपना आप लीटर आगे ना, जैसे अब इससे आगे देखो फार्मूला, फार्मूला किस तरीका से लगाना है। अगर हम बताते हैं अगर यहाँ पर पेट्रोल होगा तो पेट्रोल का प्राइस आएगा, मतलब अमाउंट निकलेगा। अगर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डीजल तो डीजल जाएगा। तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना है इक्वल एफ। लॉजिक पूछ रहा, लॉजिक टेस्ट, लॉजिक बना लो इस सेल को, इक्वल का साइन लगा दो और डबल कोट यहाँ पर इसे बताओगे। अगर पीटी पेट्रोल आर ओ एल पेट्रोल है तो पेट्रोल प्राइस मल्टीप्लाई लीटर, समझे? मैंने कहा है कि अगर V10 के अंदर पेट्रोल लिखा है तो हमारी जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए इससे लीटर की ना, कोमा फिर डबल कोट सॉरी कोमा फिर इफ, फिर इसके बाद में इसी सेल पर क्लिक करना, फिर इक्वल का साइन लगाना डबल कोट, फिर बताना डी आई जी ए सी एल डी, स्पेलिंग मिस्टेक ना होनी चाहिए, कोमा और डीजल मल्टीप्लाई लीटर, कॉमा लगाना फिर डबल कोट डबल कोट। अच्छा ये क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ पर देखो अभी एक सेल के लिए तो ये क्लियर हो गया, माना एक रो के लिए। अगर तुम इसमें पेट्रोल करोगे तो पेट्रोल देखो आ गया, और डीजल करोगे तो डीजल आ रहा है ना, आ रहा ना आ रहा। अच्छा अगर मैं इससे आगे नेक्स्ट रो के अंदर ले जा रहा हूँ नेक्स्ट, और आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। ये बात तो सही है, फंक्शन सही लग रहा है, सही है, पर क्यों नहीं आ रहा? ये जो सेल है ना हमारी, ये दोनों सेल ये डिफाइन नहीं है, ठीक है? डिफाइन करना है इनको, कैसे करना है? इस पर क्लिक करना है सेल ओनली एक सेल, इसको क्लिक करने के बाद में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लो पिछला बैकग्राउंड। अच्छा सही है सर, इनको सर क्या करना है, इस ओनली एक सेल पर क्लिक करना है, फार्मूला जाना है ना, कहाँ जाना, फार्मूला यहाँ जाओ डिफाइन, यहाँ जाके यहाँ लिखना पेट्रोल, सही है, और शिफ्ट के साथ माइनस पर क्लिक करना, अपना आप हाई पेंशन हो जाएगा ना, यहाँ लिखना प्राइस, इसी इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डी आई एस सी एल डीजल पी एल आईज, तो देखो यहाँ पर पेट्रोल प्राइस लिखा रहा है और यहाँ पर डीजल प्राइस है ना। अब फंक्शन के अंदर हमें एडिट करना है, वो एडिट कैसे करना है इसके लिए देखिए, जहाँ पर तुम्हारे ए थ्री लिख रहा है ना, ए थ्री को हटाइए यहाँ से, और ए थ्री की जगह पर आप अपना पेट्रोल प्राइस, हो गया क्लियर? और इसके बाद सी थ्री को हटाइए, सी थ्री हमारी फिर, और इसके मतलब तो एक ही है, ए थ्री था वही और सी थ्री है, पर इनके नाम दे दिए हमने सेलों के। इसके बाद एंटर, इससे आगे नेक्स्ट ड्रैग डाउन कीजिए, फार्मूला काम करेगा आगे ना। इससे आगे आगे अगला आता है कंट्रोल सी, मर्ज कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, ठीक है। देखो अब बताते हैं कि टोटल लीटर टोटल अमाउंट, सही है, क्योंकि हमें जब बार बार कोई चीज़ बेच रहे हैं तो दोनों चीज़ का टोटल होना चाहिए। अगर हम डीजल बेच रहे हैं पेट्रोल बेच रहे हैं तो पेट्रोल, अच्छा अब यहाँ पर देखो जो पेट्रोल बिकेगा पेट्रोल का टोटल लीटर आएगा यहाँ पर लिखा हुआ, और डीजल का आएगा। तो उसके लिए क्या फंक्शन लगाना है, इक्वल सम इफ, जोड़ना भी है और लॉजिकल भी लगाना है। ये कह रहा रेंज, तो रेंज ऑल दे दो ऐसे ना, एसआर से नहीं देना क्योंकि हमें तो ओनली आइटम्स निकालना है ना, कॉमा। फिर पूछे क्रिटिकल पेट्रोल पर क्लिक कर दो, फिर कॉमा लगाओ, फिर पूछ रहा है समरेंज, समरेंज में तो क्या लीटर है, तो लीटर को आप लीटर वाइज रेंज को डाल दो, इसे बंद हो गया।
ऐसी इसके बाद अगला सम इफ रेंज पूछ रहा, रेंज दो कॉमा क्रेटिया डीजल और ये हो गया हमारा सम रेंज। इसके बाद अगला आता है अमाउंट वाली बात, अमाउंट के लिए एक कॉल सम इफ और रेंज पूछ रहा रेंज दे दो इसे, फिर क्रिटिकल में पेट्रोल मान लिया और क्या अमाउंट है तो अमाउंट अमाउंट की रेंज दीजिए इसे, इक्वल सम इफ रेंज पूछ रहा रेंज दीजिए इसे, क्रिटिकल में डीजल दीजिए, फिर इसका सम रेंज जोड़ने की अमाउंट। अब इसे अच्छा से एक फॉर्मेट दे दो है ना, इसका साइज बढ़ा दो, बोल्ड कर दो ना, इसका फॉर्मेट डालो इस पर। अब इसका फॉर्मेट इस पर डाल दो और इसका फॉर्मेट इन पर डाल दो ना, और इसका फॉर्मेट उठा के इस पर, सही। अब देखो अगर हम डीजल 1 लीटर बढ़ाते हैं ना, जहाँ पर तुम्हारा क्या था 50 51 हो गया और इतने रुपये का, देखो तुम्हारा टोटल लीटर लीटर के लीटर यहाँ पर आएंगे और अमाउंट यहाँ पर इतने रुपये का है। अगर मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ डीजल 2 लीटर, ध्यान से देखना, जहाँ पर तुम्हारा लीटर बढ़ गया और यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया 85 रुपये प्रति लीटर से। अगर मैं डीजल का रेट कर देता हूँ 81 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, तो 81 के हिसाब से टोटल कैलकुलेट हो गया इतना हो गया, ठीक है। ये हमारे फंक्शन है आज, इसमें फंक्शन यूज करें इफ और सम इफ, ठीक है। इफ और सम इफ के द्वारा हमने ये चार्ट तैयार करा है।